हेलो मंगलजीत, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट गाइडेंस प्रोग्राम। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द गाइडेंस। सर, मेरा नाम मंगलजीत सिंह है। सर, मैं सुल्तानपुर से हूँ। और सर, मैंने मेरा बीटेक सर केनआईटी सुल्तानपुर से हुआ है। और सर, मेरा पीसी में गेट स्कोर 543 है, रैंक 1442। और ओके, सर, इलेक्ट्रिकल में गेट स्कोर 521 है। आपका और बीटेक कितना कैटेगरी अच्छा डब्ल्यू एस था? है सर। सर, बीटेक था सर, ईसी। इसी से बीटेक है आपका। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? आप मतलब एमएस करना चाहते हैं, पीएचडी या फिर एमटेक? सर, अभी तो सर प्लेसमेंट जिसमें मिल जाए सर कर लेंगे सर, पीएचडी नहीं करेंगे बस। अच्छा, मतलब मेनली मोटिव आपका प्लेसमेंट है, राइट? यस सर, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में आपका जैसे यस सर, कि पूरा सर। हाँ, मतलब तो एमएस भी, तो आप एमएस भी आपको चल सकता है, राइट? क्योंकि गेट स्कोर जो है थोड़ा अपना सर मतलब चल मिड सकता है, रेंज लेकिन पे, ज्यादा जो गेट यस स्कोर सर। अपना मिड रेंज पे है, तो इसमें अगर आप अच्छे कॉलेज में अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो उसमें आप एमएस के लिए जाना पड़ेगा, पढ़ सकता है, मतलब पढ़ेगा नहीं मतलब पढ़ सकता है, कंफर्म मतलब जरूरी नहीं कि पढ़ेगा ही, ठीक है? सर ओपन है सर, ओपन हूँ सर, मैं ओपन हूँ तो सर। हाँ, तो आप पहले तो आप एमएस का आप ऑप्शन लिख लो, आप आईआईटी हैदराबाद एमएस, जहां पे एमटेक आरए के यस नाम से सर, होता है, एमटेक आरए आईआईटी हैदराबाद यस वीएलएसआई। सर, ठीक सर। इसमें आप ऐसा करना, इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू कर दो। इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, ठीक है? एमएस के लिए अगर आपका गेट स्कोर, मैं सबको बोल रहा हूँ कॉमन, गेट स्कोर अगर 300 से लेके 550 तक है या फिर 600 तक भी है, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू कर दो। इससे आपको अच्छे कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिल सकता है। ठीक है, ओके तो एक ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद आप ऑप्शन लिखिए आईआईटी गुवाहाटी का एमपीआरएफ, सर, SPRF, एमपीआरएफ, एम फॉर मेघालय, ओके सर, MPRF, हाँ एमपीआरएफ, और ठीक सर। उसके ऊपर आप वीएलएसआई रखना प्रेफरेंस में, पर एमपीआरएफ मिलने के ही चांसेस है, जो चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ, पर हर हर सर के ये ऊपर MS का बता रहे हैं ना क्या, सर, MS के लिए बता रहे हैं ना। नहीं, ये मैं एमटेक का बताया आपको अभी, आईटी हैदराबाद का, एमटेक आरए का, एमएस का अच्छा मैं बता दिया आपको वीएलएसआई। अब मैं आईटी गुवाहाटी एमटेक का बात कर रहा हूँ। अब ओके आईटी सर, गुवाहाटी एमटेक में आप एमपीआरएफ कर लो, और उसके ऊपर प्रेफरेंस में वीएलएसआई डालना, पर एमपीआरएफ को रखना, ठीक है? उसके बाद आप आईटी ठीक पटना सर, वीएलएसआई, आईआईटी भुवनेश्वर वीएलएसआई, एमटेक, ठीक सर। सर ऐसा और ही नहीं है कि मुझे BLSI ही चाहिए सर, कोई और भी ब्रांच जिसमें प्लेसमेंट हो अगर मिलेगा तो सर ले लूंगा। ठीक तो आप आईटी गुवाहाटी कम्युनिकेशन लिखिए, सर, हाँ, उसके बाद आईटी गुवाहाटी एसपीएमएल लिखिए, ठीक सर, उसके बाद आप और आईटी पटना में कम्युनिकेशन भी आप लिख सकते हैं। आईटी पटना में एक ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बहुत अच्छी ब्रांच है। अगर आपका प्लेसमेंट बस पर्सपेक्टिव, आपको कोई मतलब कंपलसरी नहीं कि आपको कोर वीएलएसआई में ही जाना है, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को आप कंसिडर कर लो। ठीक सर, और बाकी आप एनआईटीज में, ऊपर के जो चार एनआईटीज है उसमें आप सारा ब्रांच डाल देना, वीएलएसआई, फिर कम्युनिकेशन ऐसे करके, फिर कंट्रोल सिस्टम ऐसे करके, ठीक है? वीएलएसआई कम्युनिकेशन सर कंट्रोल सिस्टम, BHU में तो बीएचयू भी कर सकते हो अप्लाई। पीछे को थोड़ा प्लेसमेंट सीन BHU में अभी यार कितना। सही नहीं है चल रहा है, पर आप कर सकते हो अप्लाई, तो अच्छा सर, ठीक है, मतलब इसी के लिए थोड़ा ठीक ठाक है, पर और सब ब्रांच में थोड़ा दिक्कत है। यू कैन गो फॉर बीएचयू। तो तो ये सारे BHU का ऑप्शंस कुछ हैं, प्रेफरेंस प्रेफरेंस। वही मैं पता है ना, वीएलएसआई कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद वो आपका कंट्रोल सिस्टम। भुवनेश्वर ठीक, में आपने वीएलएसआई लिखा? यस सर, हेलो हेलो लिख लिया सर। हेलो, ओके ओके ओके, तो फिर वीएलएसआई, बाकी हाँ तो सर, यही, बाकी आप अगर वीएलएसआई प्रॉपर चाहिए तो आप एनआईटी जयपुर भी आप प्रेफर कर सकते हो, प्लेसमेंट अच्छा है, वीएलएसआई मिल जाएगा। ठीक।
एमएस आपका वॉइस हैदराबाद। वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो हाँ आप बोलिए फिर से। अच्छा सर, गांव में रहते हैं उतना नेट नहीं चलता सर। एमएस के लिए सिर्फ आईआईटी हैदराबाद भर है ना। हाँ, आईटी हैदराबाद और आप मद्रास वगैरह में भी आप अप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक सर, प्रेफरेंस यही रहेगा है ना, प्रेफरेंस यही रखना है सब में। मद्रास में इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से होगा, आईसीएस के नाम से होगा, वो आप देख लेना। ठीक है, ठीक और कोई डाउट वगैरह आपका? सर। जैसे इलेक्ट्रिकल में सर 5-2 है, तो इलेक्ट्रिकल की भी ब्रांच भर दें क्या किसी में? ठीक बिल्कुल, आप दोनों गेट्स कोर्स से अप्लाई करो, पर इलेक्ट्रिकल से आप वो सब ब्रांच भरना जिसमें थोड़ा ईसी का कोर हो, वरना फिर आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी। सर, जैसे जैसे कौन सी सर? जैसे आप कंट्रोल सिस्टम भर सकते हो ईसी से भी, इलेक्ट्रिकल से भी, ठीक, ठीक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भर सकते हो। ओके सर। और कोई डाउट आप मंगल सर जी? क्या सर तिरछी में सर कम्युनिकेशन का सर कुछ चांस बन सकता है? कम्युनिकेशन का या वारंगल में, बीएसआई कम्युनिकेशन त्रिची या फिर सूरत का एनआईटी में में? चांस बन सकता है कम्युनिकेशन का। वैसे आपका आईटी गुवाहाटी में भी चांस बन सकता है कम्युनिकेशन का। अच्छा ठीक सर, ठीक है सर। है, और कोई डाउट वगैरह वैसा मंगल जी? तो आप कुछ नहीं शेयर नहीं करना सर, और चाहते कोई डाउट हो इस नहीं। प्लेटफॉर्म के बारे में, आपके मतलब कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ सर, यही शेयर करना चाहते हैं कि सर जब से सर गेट हुआ है सर, यही ढूंढ रहे हैं बहुत दिन से। परेशानी है सर कि क्या मिले सर, बहुत ढूंढ लिए लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है सही से। ना किसी की कट ऑफ है किसी के पास सही, और ना कोई सही, और ना वीडियो है। तो सर इसीलिए सर ज्वाइन किए थे, और हम नहीं जान रहे थे कि 1-1, 1-2-1 होगा, लेकिन सर 1-2-1 हुआ सर, अच्छा लगा ये। आपको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका, जब तक आपका कहीं पे अच्छे जगह एडमिशन होगा तब तक हम लोग आपके साथ हैं, और उसके बाद भी आगे साथ हैं। ठीक है, ओके बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल, ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।